हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, मैं 3-4 दिनों से आप लोगों को लगभग लगभग कह सकते हैं मंडे के बाद से आपको मैं ये जो अपकमिंग एक बहुत एक एक क्राउडेड वैकेंसी है, क्राउडेड वैकेंसी कह सकते हैं टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर, ठीक है, जो BPSC के द्वारा फाइनली कंडक्ट कराया जा रहा है। मैं प्रीवियस ईयर्स आपका जो क्वेश्चन है डाला और लगभग मेरे पास 10 से 11 और प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े हैं जो डिफरेंट सेटिंग्स में लगभग 1993 से लेकर 1999 तक के क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने चैनल के माध्यम से कराऊंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको एक एक चीज़ का जो अपडेट है वो मिलता रहे। और ख़ासकर 1 to 5 वाले, 1 to 5 वालों का तो मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको पूरी गाइड की जाएगी। और मैं बहुत जल्द 6 to 8 और 9th 10th और +2 वालों के लिए भी पे भी बहुत जल्द ये उसके प्रोसेस को आगे प्रोसीड करूँगा, ठीक है, कि कैसे उनको रणनीति बनाया जाए और उनका जो सिलेबस है उसको कैसे कवर किया जाए। लेकिन 1 to 5 का जो मेरे पास पूरा एक सॉलिड मटेरियल और जो प्रीवियस ईयर के साथ मेरे साथ अवेलेबल हो चुका है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चैनल के माध्यम से जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अपडेट रहें हमेशा। तो कल BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का एक ट्वीट आया, देखते हैं क्या है वो। तो वाइल डिटेल्स ऑफ TRE आर बींग फाइनलाइज्ड, जस्ट टू गिव सम हेडअप्स, वाइल डिटेल्स ऑफ TRE, बहुत लोग TRE में कन्फ्यूज है। TRE को आप सिंपल ब्रेक कीजिए, तोड़िए और मीनिंग को उसको डिस्क्लोज कीजिए, उसका आउटपुट देखिए क्या है। तो टीचर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज कह सकते हैं इसको, जो ये प्रोसेस है जो फाइनल हो रहा है, ये एक पार्ट है और फाइनली BPSC को ये अब BPSC ही अब एकदम क्लियर हो चुका है कि टीचर का एग्ज़ाम BPSC के द्वारा ही होगा। कोई भी चेंजेज नहीं होने वाले हैं, चाहे कोई भी धरना प्रदर्शन, उसका कोई इफेक्ट गवर्नमेंट पे नहीं पड़ने वाला है। BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो कराएगी, इसलिए किसी भी चक्कर में आप लोग ना पड़े किसी के चक्कर में, ठीक है। पहला मीनिंग ये है, ये साफ साफ क्वेश्चंस का आंसर दिया जा रहा है अतुल प्रसाद सर के द्वारा, जस्ट टू गिव सम हेड्स अप। तो आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए बता रहे हैं, टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, ये एक पानी का जो एग्जाम्पल उसको लेते हुए बता रहे हैं क्या, कि एज वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो लेवल सो डज द नॉलेज, वैसे ही है। मतलब कि एक तरीके से आप लोग ट्रिकल डाउन थ्योरी या डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, जो कि 18th century में था लगभग, ये मैकॉले के टाइम में, ठीक है, उस समय था कि हायर क्लास लोअर क्लास ऐसे ही होता है। तो वैसे ही ये बता रहे हैं कि जो आपका जो प्रोसेस है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है और अपने नॉलेज को आप लोग इन्हांस कीजिए जितना ज़्यादा ज़्यादा हो। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कहना इनका साफ साफ है, वन लाइनर से कुछ नहीं होने वाला, ये एकदम क्लियर कट उनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि पानी हमेशा कभी भी आड़े तिरछे फ्लो नहीं होता, वो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो को वो फॉलो करता है, ठीक है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे, +2 लेवल में जो लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो, तो हमेशा पानी कभी भी आप लोग देखते होंगे, आप लोग कहेंगे कि आड़ती से, तो आड़ती से होता है, तो आप लोग अगर उसको सही से मेजर कीजिए तो उसका एक अपना सर्टेन डायरेक्शन होता है। तो उन सर का भी कह रही है कि एक सर्टेन डायरेक्शन में आप लोग लगे और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, इधर उधर के फालतू बातों में ना पड़े। टीचर्स स्टैंडर्ड्स मस्ट देयरफॉर बी हायर देन देयर पीपल्स, मतलब कि जो टीचर का स्टैंडर्ड है कभी भी जो उनके छात्र है उनसे हायर ही होना चाहिए, ठीक है। और एकदम ये गांठ बांध लीजिए, ऐसा नहीं होगा तो क्लास में फंसना ही फंसना, इसलिए अपने स्टैंडर्ड को इतना रखें ताकि कहीं भी किसी भी लेवल पर आपको बच्चा आपको कंफ्यूज ना कर सके, फंसा ना सके। तो सो विल बी द टेस्ट स्टैंडर्ड इवन इफ द सिलेबस इज सेम। तो सर का कहना भी है कि जो स्टैंडर्ड है सिलेबस का वो भी वैसा ही होगा, यानी कि जो सिलेबस है वो आपका
आप लोग जो समझ रहे हैं कि बीपीएससी ये केवल नाम के लिए, ऐसा नहीं, बीपीएससी अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चंस को पूछे, भले इजी क्वेश्चन पूछे लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट होगा और आपको उसमें दिमाग लगाना होगा। डायरेक्टली आप तुक्काबाजी नहीं कर सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन वैसे नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियर कट मीनिंग है। उसके बाद एक चीज़ और सर बोले हैं कि दोज आस्किंग टू रिलीज द सिलेबस आई एडवाइज टू गो थ्रू दिस वंस अगेन। और सर का कहना साफ साफ है कि जिसको सिलेबस चाहिए पहले ऊपर वाले प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, आपको सिलेबस बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एन ऑफिसर इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज सिंस एट वर्क। ठीक है, तो सर का कहना है फॉर एन ऑफिसर इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज सिंस इज एट वर्क, मतलब कि जो ऑफिसर का जो वर्किंग कल्चर है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन कर देता हूँ, जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, SSC UPSC आयोग के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्या होता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम में आपको इंटेलिजेंस, फास्ट कैलकुलेशन, तुरंत आपको आउटपुट देना। लेकिन जितने भी आयोग के एग्ज़ाम होते हैं, GS बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे आपके जो आपको थिंक टैंक बनना होता है, वहाँ पे आपको नॉलेज को ग्राफ्स आपको किसी भी लेवल पे कोई आपको घुमा ना सके, कोई आपको तर्क पे बात करे तो आप उस तर्क लॉजिक को दे सके, इसके लिए सर ये कह रहे हैं। ठीक है, तो वन लाइनर एग्ज़ाम के पीछे ना पड़े, बैंकिंग जैसा शेड्यूल है तो उसमें दूर हो जाए, और जो भी पैटर्न है आयोग का, आयोग के पैटर्न पे आ जाए। सर का कहना यही है क्योंकि आप एक लाइक ऑफिसर, क्योंकि लेवल ये 6 की जॉब होगी, इसके बाद आपका स्टैंडर्ड बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, फेस न्यू चैलेंजेस वेयर हिज नॉलेज वॉन्ट बी हेल्पफुल। ठीक है, तो चैलेंजेस आएंगे उसको आपको चेंज करना है, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अनलाइक दिस फॉर अ टीचर बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर ही हैज़ टू ऑलवेज अस बोथ वाइल टीचिंग, सो रैंडम गेसिंग मस्ट बी स्ट्रिक्टली कर्व्ड इन TRE। मतलब कि तुक्काबाजी, देखिए लास्ट में आई है, तुक्काबाजी नहीं चलने वाला है जो टीचर रिक्रूटमेंट का ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको मैं कह तो रहा हूँ कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैं अपने चैनल से आज ही से स्टार्ट करूँगा और बहुत ही जल्द पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदाजीज फोरम, कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। और आज से आपको जो प्रीवियस ईयर का जो एक सेट में डाला था और आज से आपको कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।